Assalamu alaikum viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about the second part of anti-Parkinson disease. So last lecture we will discuss about anti-Parkinson drugs part 1 which I discussed you people with mechanism of action of levodopa carbidopa combinations plus selegiline, raseligiline, different drugs. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So next start. तो last lecture में हमने जो part 1 में इसमें चार drugs के बारे में पढ़ा था, levodopa, carbidopa, selegiline, raseligiline. तो आज हम जो इसका second part है इसमें आ जाती है common inhibitor आ जाती है उसकी, उसमें drug आ जाती है entacapone, ठीक है, tolcapone. Next हमारे पास आ जाती है डोपामीन एगोनिस्ट, उसमें ब्रोमोक्रिप्टीन है, ठीक है. इसके अलावा रेटिकिटोटीन, एपोमॉर्फिन आ जाती है, डिफरेंट ड्रग्स आ जाती है. उसके बाद एमेंटिडीन, एंटीवायरल ड्रग्स आ जाती है, ठीक है, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स आ जाती है. तो पार्ट टू में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो कोमेट, सबसे पहले हमारे पास कोमेट. कोमेट क्या है कि कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज. अब जो कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है, ये एक नेचुरल एंजाइम होता है हमारे पास, ठीक है. ये ब्रेक डाउन करता है लियोडोपा की, ठीक है. तो हम कोमेट इनहिबिटर इसलिए यूज़ करेंगे ताकि लियोडोपा की हमारे पास ब्रेक डाउन ना हो और ये जाए सीएनएस में जाए और डोपामीन में कन्वर्ट हो और अपना रिक्वायर्ड जो इफेक्ट है वो दे हमें, ठीक है. अब ये इसमें ड्रग्स आ जाती हैं जो कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, उसमें ड्रग आ जाती है एंटाकोपोन एंड टोलकोपोन. अब हमारे पास जब हम लिवोडोपा की एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे, ठीक है, विद कार्बिडोपा के साथ, तो कार्बिडोपा क्या करेगी, इसका जो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू में या जीटी में, उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, ठीक है. अब जब कोमेट के साथ लिवोडोपा की मिथाइलेशन होगी, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3O मिथाइल डोपा बनेगा. अब ये 3O मिथाइल डोपा एज अ रिजल्ट जब कार्बिडोपा ने इसकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज किया पेरिफेरल टिश्यू में, इसको इनहिबिट किया, हमारे पास 3O मिथाइल डोपा बना. अब ये जो 3O मिथाइल डोपा ये कम्पीट करेगा इसके साथ लिवोडोपा के साथ, ठीक है, इसकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी है तो ये सीएनएस, मींस कि इसकी मेटाबॉलिज्म करा, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा लिवोडोपा को सीएनएस में, कोशिश करेगा कि इसको मेटाबोलाइज करें. तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा पार्किंसन डिजीज में डोपा लिवोडोपा का, वो नहीं अचीव होगा, ठीक है, तो हमें रिलीफ नहीं मिलेगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कोमेट इनहिबिटर है उसको यूज़ करेंगे. अब जब ये एंटाकोपोन या टेलकोपोन यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे पास इसको ब्लॉक कर देगा, हमारे पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जो 3O मिथाइल डोपा इसकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी. जब कम होगी तो हमारे पास वो डोपा इजीली डोपामीन में कन्वर्ट होगा सीएनएस में और रिक्वायर्ड जो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा वो अचीव हो जाएगा. ट्रीट इस तरह में जो इसके अगेंस्ट इफेक्ट होगा पार्किंसन डिजीज के अगेंस्ट लिवोडोपा का, वो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट जो इसका इफेक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है. तो इसको हम ट्रीट करेंगे. तो इसके अलावा यही है कि हमारे पास ये है कि इंटाकोपोन जो है इसकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगी, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी हमें. इसके साथ साथ जब ये आप इंटाकोपोन यूज़ करेंगे तो डोज भी कम कर देगी, ठीक है, इसके जो साइड इफेक्ट होंगे लिवोडोपा के एंटाकोपोन ये भी कम कर देंगी. तो टेलकोपोन इसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब इसके जो हमारे पास साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट में भी वही सेम जो हमने डिस्कस किए थे टेलकोपोन है, ठीक है. साइड इफेक्ट में भी हमने जो मैंने जो आपसे कल डिस्कस किया था वही सेम ही है तकरीबन, इनके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो इनके सेम ही है, ठीक है. हमारे पास एडवांस इफेक्ट में हमारे पास आ सकता है कि नाजिया हो सकती है, ठीक है, नाजिया होगा, वोमिटिंग होगी, पोस्टल हाइपोटेंशन होगी. पोटेंशन, तो ये साइड इफेक्ट होंगे इसके, एडवर्स इफेक्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है. एंटाकोपोन टेलको. अब नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट, ठीक है, कि आपने क्या करना है, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करना है. उसके जो रिसेप्टर है उसमें आ गया मिसफंक्शनिंग आ गई है जो भी, तो उसने उसको आपने क्या करना है, उसकी
फंक्शनिंग को, इसके जो डिस्टर्बेंस है उसको नॉर्मल करना है, उसकी बैलेंस को मेंटेन करना है, डोपामीन के लेवल को आपने CNS में उसको नॉर्मलाइज करना है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग याद आ जाती है, इसमें है सबसे पहले ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन है, अब जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये क्या करेगी, जो रिसेप्टर होगा डोपामीन का उसको एक्टिवेट करेगी, जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो डोपामीन का लेवल को इंक्रीज कर देगी, ठीक है, ये डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करेगी, डोपामीन लेवल, ठीक है, CNS में। तो जब डोपामीन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो जो हमारे पास बैलेंस अचीव हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो जाएगी, जितना एसिटाइलकोलाइन होगा उतना ही डोपामीन हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है एपोमॉर्फिन आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रेटिनिटोन। अब जो एपोमॉर्फिन है ये इंजेक्टेबल फॉर्म है, अगर आप कोई भी एपोमॉर्फिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ में जो है इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपोमॉर्फिन इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन यूज़ करेंगे उसके लिए। इसके अलावा हमारे पास ये जो रेटिनिटोन, अब ये भी इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, इसके अलावा इसके पैचेस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी के थ्रू हम क्या करते हैं इसको इसके पैचेस लगा देंगे, और वो फिर अपना जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा रेटिनिटोन वो हमें अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, इसमें आ जाती है डोपामीन एगोनिस्ट में। अब इसमें आती है प्रेमीपैक्सोल। अब प्रेमीपैक्सोल अब डिफरेंट ड्रग्स आती है हमारे पास, जो इसमें ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है। जो प्रेमीपैक्सोल है इसका भी सेम मैकेनिज्म है कि डोपामीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, ठीक है, और जो डोपामीन का लेवल है वो क्या कर देगी, ब्लड में इंक्रीज करेगी, उसमें CNS में इंक्रीज करेगी। अब अगर हम इंट्रैक्शन की बात कर दें प्रेमीपैक्सोल, ठीक है, पैक्सोल अगर इसकी इंट्रैक्शन की बात करें तो ये सेमिटिडीन जो है उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है, सेमिटिडीन का हेपेटिक पे जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसकी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगी सिमिटिडीन। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक ड्रग आती है हमारे पास है रेपिसिनोकोल। रेपिसिनोकोल जो होती है उसमें जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है, उसके अलावा फ्लुक्सिटीन उसकी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आ जाती है इसमें चॉइस ऑफ एमेंटिडीन। अब जो एमेंटिडीन बेसिकली ये एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा हमारे पास, ये एंटीवायरल ड्रग है और इन्फ्लुएंजा में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ठीक है, एमेंटिडीन। लेकिन ये डोपामीन की जो एक्टिविटी है, डोपामीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करती है, इसलिए भी हमें ये चॉइस ऑफ ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंटीवायरल है, बट एंटीवायरल तो है ही है, लेकिन क्या करेगी, इंक्रीज डोपामीन लेवल, डोपामीन का जो लेवल होगा उसको इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो मस्करेनिक रिसेप्टर होगा, ठीक है, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ब्लॉक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी जब, तो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, CNS में। तो ये है कि इस तरह हमारे पास जो लेवल होगा एसिटाइल कोलिन और डोपामिन उसका जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, इस तरह इसको कम कर देगी एसिटाइल कोलिन को, डोपामिन को इंक्रीज, और जो वो फ्लक्चुएशन थी उसको नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आ जाती है इसमें एंटी मस्करेनिक। अब एंटी मस्करेनिक, अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पार्किंसन डिजीज़ में। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप डोपामीन का जो लेवल वो कम हो गया है, ठीक है, जो सब्सटेंशिया निग्रा से न्यूरॉन जा रहा है वो डाई हो गया है, ठीक है, अब वो मैसेज जब डाई हो गया तो मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, जब मैसेज नहीं जाएगा न्यूरोस्टेटम में न्यूरॉन्स के थ्रू तो हमारे पास डोपामीन सिक्रीट नहीं हो रहा। अब पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप उसको कवर अप करें, ठीक है, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स की ड्रग, डिफरेंट सिलेक्शंस
डिफरेंट टाइप की ड्रग को सिलेक्ट करके डोपामीन के लेवल को क्या करें हम इंक्रीज करें। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो एक्साइटेटरी है उसकी एसिटाइल कोलीन न्यूरोट्रांसमीटर उसके लेवल को आप कम कर दें। तो जितनी भी ड्रग्स थी हमने वो पहले डिस्कस की जो डोपामीन के लेवल को इंक्रीज कर रही। अब जो लास्ट में हमारे पास फिर आ जाती है एंटी मस्करेनिक। तो एंटी मस्करेनिक में यही है कि अगर ऑप्शन नहीं बच रहा है, ठीक है, डोपामीन का लेवल अगर सपोज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह या बाकी ड्रग्स जो इसके एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो आप क्या करें एंटी मस्करेनिक ड्रग यूज़ करें। एंटी मस्करेनिक आप एंटी मस्करेनिक ड्रग्स यूज़ करें, ठीक है। अब एंटी मस्करेनिक में बेंजोडाइजेपिन बेंजोट्रोपिन इसमें आती है बेंजोट्रोपिन। अब बेंजोट्रोपिन क्या करेगी जो मस्करेनिक या कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होगा उसको ब्लॉक कर देगी। जब ब्लॉक करेगी हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा जो एसिटाइल कोलीन है उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोलीन का जब लेवल हो कम होगा हमारे पास, ठीक है, उधर से डोपामीन का लेवल वो उसके उसमें जो फ्लक्चुएशन आई होंगी, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन क्या हो जाएंगी वो मिनिमाइज हो जाएंगी इस तरह। और हमारे पास क्या हो जाएगी जो टेम्परेरी रिलीफ होगा पार्किंसन डिजीज से वो हमें क्या हो जाएगा अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने ड्रग्स का डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं पार्किंसन डिजीज़ में। सबसे पहले हमने लिवोडोपा का डिस्कस किया, ठीक है, और लिवोडोपा का हमने कहा कि नहीं जी इसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी में CNS में नहीं जा पाएगी, ठीक है, तो इसको कम्बिनेशन में दिया जाए। तो कम्बिनेशन में साथ हमने कार्बिडोपा दी। कार्बिडोपा ने एक तो ये किया कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म पेरिफेरल और GIT में हो रही थी उसको डिक्रीज़ किया, प्लस उसके जो एडवर्स इफेक्ट थे उसको कम कर दिए, ठीक है। और हमने सिनीमेटिक ब्रांड नेम से आती है उसमें 100 mg लिवोडोपा थी और 25 कार्बिडोपा, फिर 250 mg लिवोडोपा थी और 25 ही कार्बिडोपा थी। तो इन दोनों के देन सेलिजिनिन और रेजिजिलिन का मैंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा ये नेक्स्ट फिर ड्रग्स थी कैट कोल ऑक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इनहिबिटर। अब इसमें एंटकोन और टोलकोपोन ये सेलेक्टिवली कोमेट को क्या कर रही थी ब्लॉक कर रही थी। अब कोमेट को ब्लॉक तो कोमेट का क्या क्या रोल था कि ये डोपामीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, ब्रेक डाउन करवा रहा था, ठीक है, 3-ऑक्सीमिथाइल डोपा के थ्रू, ठीक है। तो हमने उसको ब्लॉक किया ताकि इसकी जो रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन है वो CNS में जाके पहुँचे और हमें जो टर्म रिलीफ है वो रिलीफ मिल जाए पार्किंसन डिजीज से, ठीक है। इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट डोपामीन एगोनिस्ट जो थी ब्रोमोग्रिप्टिन है, ठीक है, रेटिकोटिन, उसके बाद एपोमार्फिन है, ठीक है, प्रेमीपैक्सोल। तो इनके मैकानिज़म देखेंगे डोपामीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, ठीक है, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज कर देगी। देन एमेंटिडीन, तो एमेंटिडीन बेसिकली तो ये एंटीवायरल इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करती है, इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन यह इसका रोल ये भी होता है डोपामीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, इसमें डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करती है। और इसके अलावा इसका ये भी रोल होता है हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है। उसके बाद एंटी मस्करेनिक, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ कर दें या एसिटाइल कोलीन के लेवल को डिक्रीज़ कर दें। तो हम एंटी मस्करेनिक में फिर बेंजोट्रोपिन को डिस्कस किया कि ये क्या करेगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और जो एसिटाइल कोलीन होगी का लेवल होगा उसको कम कर देगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंटी पार्किंसन ड्रग्स। If anyone have any question related to this topic, you can ask in comment box. Thank you very much.